अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़े ऐसे आउटिंग पे आए थे, तो आज नहरी निज़ाम के बारे में आपको बताते हैं। ये मेन बड़ी जो नहर थी उसमें से ये छोटी नहरें निकल रही हैं जो पानी के लिए काश्तकारी या बपाशी के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। नहर अभी तकरीबन बंद भी हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से आ रहा है। ये आगे इस तरह जा रही है, ये दूसरी साइड पे नाला है जो कि फसलों को पानी देने के लिए, देखने पानी। तो अभी जनाब आपको लिए चलते हैं नहर के अंदर और आपको पानी की रियल साउंड, उसकी गह बहुत ही करीब से सुनाते हैं। ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक सा है और यहाँ से उतरना भी बड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा। ये जो पत्थर साइडों पे लगाए जाते हैं ये इनकी साइडें मजबूत करने के लिए, पानी के कटाव से बचने के लिए। रिव्यूज़ ये आपको मैं सीन दिखाना चाहता था, आप इसकी खूबसूरती देखें, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि फंगस टाइप जो है इन ईंटों के ऊपर बनी है और पानी कम होने की वजह से ईंटों के अंदर अभी भी नमी है, इसलिए ये इसके ऊपर बनी है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो अब हम इसकी एक पिक्चर भी बना लेते हैं। थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अब इस नहर को हम क्रॉस करते हैं। वाओ, बहुत ठंडा पानी है और ऊपर बादल बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये परिंदा बैठा हुआ, इसको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको। पानी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। सो अमेजिंग। पानी का काफी शोर है यहाँ पे, बिल्कुल सही वाला शोर है यहाँ पे। ये देखिए अभी पानी इसका बिल्कुल सतह नीचे है, यहाँ भी एक रुकावट बनाई गई। यहाँ पे जो पानी आ रहा है फालतू वो वहाँ से आगे यहाँ पे एक बार उसकी रुकावट है, रुकावट के बाद फिर आगे ये एक आबशार की शक्ल में नीचे गिर रहा है। तकरीबन ये आधी नहर हमने क्रॉस कर ली है, तो ये इसका अभी हाफ है तकरीबन, इन हाफ में मैं खड़ा हूँ। और ये इसके गेट्स हैं, ये तीनों गेट जो मैं ऊपर से वीडियो में दिखा रहा था आपको, ये देख रहे हैं ये बंद है अभी, तो इनको खोल दिया जाता है अगर पानी जितनी ज़रूरत होती है। फिलहाल ये तीनों गेट बंद है, जो उसकी साइडों में से थोड़ा बहुत पानी आ रहा है बस वही पानी निकल कर आ रहा है। तो अभी चलते हैं हम आगे।
ये देख रहे हैं इब्राहिम भाई भी ऊपर बैठे हुए हैं, ये इन्होंने कुंडियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए, ये अपने जुगाड़ में बैठे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो बस निकला पाँव मेरे पानी से सही वाले ठंडे हो गए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए ये पत्थर, ये भी तो पानी के अंदर ही बह कर आए हैं कहीं दूर से, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब में तो बाढ़ है ही कोई नहीं। और ये पानी ख़त्म हो गया उसके किनारों पर, ये देख रहे हैं आप सैंड रेत और इसके साथ ही ये ऊपर ट्रैफिक गुजरने के लिए ये एक पुल बना हुआ है, साथ में ये ट्रैफिक वगैरह भी यहाँ से गुजर रही है। ये माल मवेशी लेकर साथ वाले डेरे वाले लोग आ जा रहे हैं। इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो तक, आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।